हमीरपुर में पुस्तक विक्रेताओं की दुकानों में कर्फ्यू ढील के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और वीरवार सुबह 7 से 10 बजे के बीच में खुली दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत कम लोगों ने पालन किया। हालांकि पुलिस के द्वारा गश्त के दौरान पालन करने के लिए कहने पर लोग डर के मारे सोशल डिस्टेंसिंग अपनाते हुए दिखे। SHO संजीव गौतम की अगुवाई में टीम ने शहर का निरीक्षण किया, जिसमें लोगों को पुलिस द्वारा सख्ती से नियमों का पालन करने के लिए भी निर्देश दिए गए। आपको बताएं कि सोमवार और वीरवार 2 दिन ही पुस्तक विक्रेताओं की दुकानों को खोलने के आदेश दिए गए हैं, जिसके अनुसार 2 दिन में ही पुस्तकों की दुकानें खुली रहेंगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं मान रहे हैं, लेकिन इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना किया तो कोरोना को दूर भगाने में समस्या पेश आएगी। विजय वर्मा ने बताया कि कोरोना बीमारी को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही जरूरी है और लोगों को चाहिए कि एक दूसरे से दूरी बनाकर नियमों का पालन करें। ऐसा है, हमीरपुर के लोग कभी भी नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि जब पुलिस को देखते हैं तो डिस्टेंस कर रहे हैं, पुलिस जा रही है तो वापस एकदम भीड़। कोई सोशल डिस्टेंस नहीं है हमीरपुर में, कुछ नहीं। अगर पुलिस सामने आ रही है तो सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं, अदरवाइज बिल्कुल झुंड बनाकर कोई भी सामान ले रहे हैं, झुंड बनाकर एक दूसरे के ऊपर। देखो आप किताबों की दुकानों में जाके कितनी भीड़ पड़ी हुई है, ऊपर आर्यन स्टोर में देखो, नीचे देखो, बहुत बुरा हाल है। कोई डिस्टेंस नहीं है। क्या मानते हैं बीमारी को क्या करना पड़ेगा? बीमारी इससे बढ़ेगी है, डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो बीमारी बढ़ती जाएगी आगे से आगे, और लॉकडाउन और बढ़ेगा, इससे ये काम नहीं होगा, आगे बढ़ेगा। वहीं स्थानीय निवासी विशाल ने बताया कि कोरोना के बचाव के लिए नियमों का पालन बहुत ही जरूरी है, इसलिए लोगों को एक दूसरे से दूरी बनाकर रहना होगा। उन्होंने कहा कि लोगों को सोचना चाहिए कि बीमारी से बचने के लिए नियमों का पालन करें। बात यह है कि सबसे मूल प्रश्न इसमें यह है कि ये सब कुछ जो हो रहा है हमारी सुरक्षा के लिए हो रहा है। जहाँ पर आज पूरे विश्व के सबसे बड़े बड़े देश जो सभ्य समाज हैं, वो आज इतने बड़े बड़े एजुकेटेड जो कंट्रीज़ हैं, यूरोप है, अमेरिका है, वहाँ पर आज इतनी बुरी हालत है, लेकिन हिंदुस्तान में जो हमारे लिए जो बनाया गया है, ये सिर्फ हम लोगों के लिए ही बनाया गया है। लोग क्या कर रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि ये एक बंदिश है, ये बंदिश नहीं है, जबकि ये हमारे अपने लिए है। जहाँ पर तो पुलिस दिखाई देती है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर पुलिस नहीं है वहाँ पर आज भी लोग वैसे ही लगे हुए हैं। लोगों को ये समझना चाहिए, ये जो सब कुछ जो हो रहा है हमारे लिए हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान जो है Stage 3 में ना जाए, जिसको बोलते कम्युनिटी ट्रांसमिशन में जाए। लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। और मेरा तो प्रशासन से ये मेरा एक सुझाव रहेगा कि जिस प्रकार की छूट जो प्रशासन यहाँ पर लोगों को दी जा रही है, उसके ऊपर थोड़ी सी सख्ती से कार्रवाई की जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि लोगों को खुद को अवेयर होना पड़ेगा कि ये सब उनके लिए है, और लोग प्रशासन का सहयोग करें ताकि इस कोरोना की महामारी को जड़ से खत्म किया जा सके। लोगों का कहना है कि लोग अपने आप एक दूसरे से दूरी बनाकर ही कोरोना को दूर भगा सकते हैं, क्योंकि कब तक पुलिस लोगों के पीछे भागकर नियमों का पालन करवाएगी। ऐसा है कि लोग खुद अपने आप इस चीज़ को अपनाएंगे तभी बढ़िया रहेगा। पुलिस कितनी देर उनके पीछे दौड़ी रहेगी? पुलिस जब वो पुलिस को देखते हैं तब तो सोशल डिस्टेंसिंग अपना रहे हैं, और जैसे ही पुलिस चली जाती है तो आप देखेंगे यहाँ आगे पीछे कि सभी लोग झुंड में इकट्ठे हो जा रहे हैं। ये पुलिस के समझाने का ही फर्ज नहीं है, हम आप लोगों का भी ये अपना फर्ज है कि हम खुद इस सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाएं ताकि कोरोना से हम ज़्यादा से ज़्यादा बचें। और बार बार यही जो TV के माध्यम से, समाचार के माध्यम से और न्यूज़पेपरों के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि कोरोना से यदि जीतनी है जंग तो लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और अन्य जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको अपना के ही चलना पड़ेगा। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र त्री ने कहा कि कोरोना को दूर भगाने के लिए सभी को अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने कहा कि जब तक आम जनमानस अपनी जिम्मेवारी नहीं समझेगा तब तक कोरोना को दूर नहीं भगाया जा सकेगा। देखिए, ये विषय केवल हमीरपुर का नहीं है, पूरे राष्ट्र का नहीं है, बल्कि पूरे विश्व का विषय है। ये जो आपदा है, वैश्विक महामारी कोरोना, इसके कारण कहीं ना कहीं पूरा विश्व संकट में है, और इसका इस स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए जहां हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शानदार तरीके से काम किया है, उनके नेतृत्व में सरकारें, चाहे वो प्रदेश की हो या देश की हो, पूरा प्रयास कर रही हैं, और कहीं ना कहीं दूसरे देशों की तुलना में एक सकारात्मक पहल हमारी सरकारों ने की है, और उसका अच्छा परिणाम भी है कि कहीं ना कहीं हम उस हद तक स्थिति संकट में नहीं है। पर जब तक आम जनमानस अपनी जिम्मेवार भूमिका समझते हुए जैसे सरकारी निर्देशों का सम्मान और पालन नहीं करेगा, तब तक थोड़ी दिक्कत रहने वाली है। मेरा पूरा विश्वास है कि जिस तरह इससे पहले देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर लोगों ने 1 दिन के कर्फ्यू का, फिर उसके बाद 14 तारीख तक का जो लॉकडाउन या कर्फ्यू हुआ था उसका सम्मान किया था,
3 मई तक भी इसका सम्मान आम जनमानस करेगा और इस संकट की घड़ी से निकलने के लिए सरकारी जो प्रयास चल रहे हैं उनमें अपना योगदान पूरे देश के साथ साथ हमीरपुर का जो नागरिक है, जिम्मेवार नागरिक है, वो भी सुनिश्चित करेगा। गौरतलब है कि जब तक लोग सोशल डिस्टेंसिंग को नहीं अपनाते हैं तब तक कोरोना बीमारी से छुटकारा मिलना नामुमकिन है। पीएम मोदी के द्वारा भी अपने संबोधन में पूरे देश के लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने का आह्वान बार बार किया जा रहा है ताकि देश बीमारी से मुक्त हो सके।